दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। तो दोस्तों, जिनके अंदर डर स्वाभाविक है, उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझनी होगी। अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीना है तो मुझे इस डर को जीतना ही होगा। इसके लिए आपको आगे कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आपको खुद से सवाल पूछना होगा, क्या मैं डर के वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? क्या डर के वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है? अगर आपको उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर चलते हैं। दोस्तों, आज आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, हमारे अंदर डर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। या फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है, या तो उसके बारे में हम अज्ञान हैं, हमें ज्ञान नहीं है। दोस्तों, इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना चाहिए, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास आए और जिससे हमारे अंदर का डर कम हो जाए। दोस्तों, क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हो, उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति के बारे में जानना शुरू कर दो। दोस्तों, जो गलती आपने पहले की है, उस गलती को सुधार लो, क्योंकि जो आपके अंदर डर था, उस डर को आज यहीं पर खत्म कर दो। आपने जिस काम से आज तक पीछे हटते थे, आज उसका भी सामना करो। अगर आप सफलता के मार्ग पर कौन सी मुश्किल थी, उन मुश्किलों को डटकर सामना करना सीख लिया, तो मानो आपके अंदर का डर जो था वो आज खत्म हो गया है। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशन कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं।